सो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत स्पाइसी चटनी में बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिसका नाम है कारा चटनी। इडली, डोसा, उत्तपम, साउथ इंडियन स्टाइल चटनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चने की दाल और उड़द की दाल को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। दाल का रंग चेंज हो चुका है और दाल भुनने की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ऑयल और सबसे पहले डालेंगे मद्रास अनियन और साथ ही में नॉर्मल प्याज स्लाइस किए हुए, चुटकी भर नमक, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसके अंदर जाएगा गार्लिक 3 से 4, अदरक रफली चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून और साथ ही में हरी मिर्च रफली चॉप की हुई, और ये है होल कश्मीरी रेड चिली, जिन्हें 10 मिनट के लिए मैंने गर्म पानी के अंदर सोक करके रखा है। दिस इज वेरी क्रूशल और ये कारा चटनी की जो रंगत आती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आधी आप कश्मीरी यूज़ कर सकते हो, आधी कोई और किस्म की रेड चिली, फॉर एग्जांपल बेडगी यूज़ कर सकते हो। 7 से 8 लाल मिर्चें गई सोक की हुई, उसके बाद गए 3 से 4 टमाटर रफली चॉप किए हुए, ज़रा सा नमक जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आधा कप के करीब पानी जाएगा, कुक करेंगे ढक के फॉर अबाउट 5 मिनट्स। इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। और पीसते वक्त 1 टीस्पून शुगर जाएगी इसके अंदर। और ये कारा चटनी जो है वो पिसकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए इसका, हल्का हल्का दानेदार और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके छोटे से तड़के के ऊपर। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून राई, 2 रेड चिलीज, कड़ी पत्ते, गैस बंद करेंगे। चटनी के ऊपर तड़का गया और उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे सॉल्ट। नाउ मिक्स करेंगे तड़के को चटनी के साथ।